हे गाइस, वेलकम टू एग्जामिन 24। आज हम इसमें बात करेंगे करंट अफेयर्स 1 जुलाई 2022 की। डेली करंट अफेयर्स वो है, ठीक है। तो इसको वन लाइनर में हम डेली कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आज का पहला वन लाइनर है, जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक चंडीगढ़ में बुलाई गई जिसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण ने की। ध्यान रखेंगे, जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक बुलाई गई चंडीगढ़ में और इसकी अध्यक्षता किसने की है? निर्मला सीतारमण ने। अगला है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार कार निर्माताओं के लिए मोटर वाहनों में कम से कम 6 एयरबैग देना अनिवार्य करेगी जिसमें 8 यात्री सवार हो सकते हैं। ध्यान रखेंगे, पहली बात तो ध्यान रखने वाली है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। और इन्होंने क्या कहा है कार निर्माता और कंपनी को, जो मोटर वाहन हैं उनमें कम से कम 6 एयरबैग दिए जाएंगे, यानी कि कार जो है उसमें 6 एयरबैग कम से कम अनिवार्य हैं जिसमें 8 यात्री सवार हो सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में 1357 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजनेस टाइकून पालोनजी सापूरजी मिस्त्री के निधन पर दुख जताया है, यानी कि जो बिजनेस टाइकून हैं पालोनजी सापूरजी मिस्त्री, उनका निधन हो गया है। भारत और क्यूबा के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर हवाना में आयोजित किया गया। भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव सौरभ कुमार ने, ये पूर्व सचिव हैं, सौरभ कुमार ने किया और क्यूबा पक्ष का नेतृत्व उप विदेश मंत्री सुश्री अनासी रोड्रिग्ज कमेजो ने किया, ध्यान रखना इसका। दीपक पूनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में U23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक हासिल किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अहमदाबाद में निर्मा विश्वविद्यालय में नव स्थापित उष्मायन सुविधा का उद्घाटन किया है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। CERT इन भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल ने साइबर सुरक्षा निर्देशों को लागू करने की समय सीमा 25 सितंबर 2022 तक बढ़ा दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय संस्कृति और दर्शन में मानवाधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। महिला क्रिकेट, श्रीलंका ने दांबुला में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 7 विकेट से हरा दिया है। जो महिला क्रिकेट है उसमें श्रीलंका ने भारत को हराया। तो अब देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मंत्री ने डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है? अच्छा क्वेश्चन है, किस मंत्री ने डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अश्विनी वैष्णव ने इसको लॉन्च किया है, जो डाक विभाग का एक ई लर्निंग पोर्टल है, डाक कर्मयोगी संचार रेल इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसको? जो ई लर्निंग पोर्टल है डाक विभाग का, उसको, जो डाक कर्मियों की जिसका नाम है उसमें संचार रेल इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने गोइंग ऑनलाइन अस लीडर्स कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? इसका शुभारंभ किया है अर्जुन मुंडा ने, थर्ड आंसर हो जाएगा इसका, क्लियर है, अर्जुन मुंडा, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में गोइंग ऑनलाइन इज लीडर्स कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण के लिए पे रोल ऑटोमेशन लॉन्च किया है? मासिक भत्तों के वितरण के लिए पे रोल ऑटोमेशन लॉन्च किया किस मंत्रालय ने? ये रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया, ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला इसका, जो मासिक भत्ते का वितरण है उसके लिए पे रोल ऑटोमेशन, भारतीय तटरक्षक के लिए एक स्वचालित वेतन और भत्ते मॉड्यूल का उद्घाटन,
श्री रजनीश कुमार रक्षा लेखा महानियंत्रक रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने उभरते देशों के ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? अच्छा क्वेश्चन है, किस देश ने उभरते देशों के लिए ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया? चीन, रूस, अर्जेंटीना, ईरान और इराक में से बताइए किसने अभी इसमें शामिल होने के लिए आवेदन किया है। इसमें शामिल होने के लिए, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए ईरान ने आवेदन किया है अभी, ठीक है। फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा, ईरान ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने नागालैंड में शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? नागालैंड में शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? अच्छा क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, मनसुख मंडाविया या राजनाथ सिंह? इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। इसने नागालैंड में जो शहद परीक्षण प्रयोगशाला है उसका उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 29 मई, 29 जून, 28 जून, 28 जुलाई या 29 अप्रैल? सांख्यिकी दिवस किस दिन या किस तारीख को मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जून को। सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका सेकंड वाला। केंद्र सरकार 2007 से हर साल 29 जून को दिवंगत प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महलनोबिस की जयंती के अवसर पर सांख्यिकी दिवस मनाती आ रही है। प्रशांत चंद्र महलनोबिस की जयंती पर 29 जून को हर साल 2007 से ये मनाती आ रही है केंद्र सरकार। निम्नलिखित में से किस देश ने बुसान विश्वविद्यालय में भारत केंद्र का उद्घाटन किया? किस देश ने बुसान विश्वविद्यालय में भारत केंद्र का उद्घाटन किया, ये बताना है। इसका आंसर है दक्षिण कोरिया फर्स्ट। दक्षिण कोरिया पहले वाला इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया में वुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है, पहला आंसर है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रिलायंस जियो का नया अध्यक्ष है? ये अच्छा क्वेश्चन है, रिलायंस जियो का कौन नया अध्यक्ष बना है? अनिल अंबानी, आशीष अंबानी, ईशा अंबानी, आकाश अंबानी या टीना अंबानी? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रिलायंस जियो का नया अध्यक्ष है? इसका नया अध्यक्ष बना है आकाश अंबानी, ये मुकेश अंबानी के बेटे हैं आकाश अंबानी, इनको रिलायंस जियो वाले जो सेगमेंट है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। आंसर हो जाएगा इसका आकाश अंबानी। मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिजिटल डिवीजन यानी कि जियो इन्फोकॉम के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने नए पहनने योग्य एटीएम कार्ड और ऑफलाइन यूपीआई लॉन्च किए हैं? किस कंपनी ने नए पहनने योग्य एटीएम कार्ड और ऑफलाइन यूपीआई लॉन्च किया है? ओला मनी, एस मनी, उबर मनी, गूगल पे या पेटीएम? एस मनी ने इसको लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा इसका सेकंड वाला, एस मनी। एस मनी ने यूपीआई 123 पे भुगतान और पहनने योग्य एटीएम कार्ड लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? 28 जून को, 28 मई को, 29 जून, 29 मई या 28 अप्रैल? अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है 29 जून को। क्लियर है, 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। आंसर इसका सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ट्रॉपिक्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस उष्णकटिबंधीय देशों की अनूठी चुनौतियों और अवसरों को उजागर करते हुए उष्णकटिबंधीय की असाधारण विविधता का जश्न मनाता है।
क्लियर है। तो इस वीडियो में जो करंट अफेयर्स रहेगा वनडे एग्जाम्स के लिए, इसमें डेली 10 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 10 वन लाइनर होंगे, और डेली करंट अफेयर्स में कवर होता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।